हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है मैकनीज। किसकी मैकनीज? मीरवेन पांडर बल्ली रिडक्शन। तो ये एक सिलेक्टिव रिडक्शन होता है, केवल किस पर काम करता है? कीटोन पर। इसलिए हमने देखो लिख रखा है, इट इज ए सिलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस फॉर कीटोन। ये केवल कीटोन पर काम करता है। तो कीटोन हमने जैसे ये ले लिया, ठीक, कोई भी कीटोन हो, कोई भी कीटोन हो, इस पर हमने कौन सा रिएजेंट लिए? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ये फार्मूला है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ये हमने क्या लिया यहाँ पर, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया है, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। और ये जो प्रोडक्ट बना है, ये सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ पर बनता है। कौन सा बनेगा? सेकेंडरी एल्कोहल बना करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकनीज होती है। इसकी मैकनीज बीएससी सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा आने वाली मैकनीज होती है, और इस ईयर के लिए तो बता ही नहीं सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो समझने के लिए क्या करो, वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है, जिससे आपको अच्छे से मैकनीज समझ में आ सके। तो ये सिलेक्टिव के लिए हम एक आपको एक क्वेश्चन भी बता देते हैं। देखो, एक डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर कीटोन भी है, तो ये दोनों चीजें हैं। अगर किसी भी चीज से आप रिडक्शन करोगे, जैसे आप क्लीमेंशन कर दो, अगर क्लीमेंशन कर सकते हैं, बॉल पिसनर कर सकते हैं, ठीक है, H2NI ले सकते हैं, H2PD, कुछ भी करोगे तो ये सब रिड्यूस हो जाते हैं, दोनों चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन ये कैसा है? सिलेक्टिव। इसने देखो डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं किया, डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही बना हुआ है। लेकिन जो कीटो को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, देखिएगा, OH में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिव रिडक्शन। ये कीटो है, ठीक है ना, एल्डिहाइड पे भी ये काम नहीं करेगा, जबकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखो, जो ये R लिए गए, R का मतलब क्या होता है? एल्काइल्स ग्रुप। देखो, R का मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। और देखो, हमने यहाँ पर यूज किया है एमी। एमी का मतलब क्या होता है? मिथाइल। ET का मतलब होता है इथाइल। PH का मतलब होता है फिनाइल, ठीक है। CH3 को एमी से लिखा जाता है। जैसे कि जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है, तो इसको हमने देखो यहाँ लिखा, इसका ये फुल नेम हमने लिख दिया, और इसका क्या है, ओपन स्ट्रक्चर बना दिया। ओपन स्ट्रक्चर में क्या, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 होती है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है। यमी का मतलब आप यहाँ पर क्या रख सकते हो? CH3, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको समझ में आ रही, यमी का मतलब CH3। ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं अलग से। अब इसके क्या करना है, मैकनीज समझना है। तो मैकनीज इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, कोई एक कीटोन ले लिया, R1 R2 सेम सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर भी C2H5, या यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5, कुछ भी कर सकते हैं आप। R का मतलब आप बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, कीटोन। क्योंकि किस कैसा है रिडक्शन, सिलेक्टिव रिडक्शन है, किसी और पर काम नहीं करेगा, ओनली किसके ऊपर वैलिड है, कीटोन पर वैलिड है। और यहाँ देखो हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के कितने मोल्स थे यहाँ पर? थ्राइस था, देखिएगा, थ्राइस। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा लगा रखा है, ट्वाइस। एक इसका जो फार्मूला है, एक ये हमने ओपन करा, इन दोनों को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, ट्वाइस में। अब देखिएगा मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इधर देखिए ध्यान से समझना, ये हमने ओ को ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन कैसा है, मेटल। मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है बताइए, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे करके इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, माइनस आया। एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और यहां से यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। आकांक्षा समझ आ रहा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हो जाता है, जैसे ही ये अलग हुआ, कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, यहां पर देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये जैसे ही पॉजिटिव आया, ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैक कर गया। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन H+ है, देखिए समझ आ रहा, यहां पर भाई जैसे ही हाइड्रोजन यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, समझिए, कार्बन पे जैसे ही यहां पर पॉजिटिव आया, यहां पर निगेटिव है, तो ये H यहां से गेन कर लेगा, H जैसे ही लेगा यहां पर बनेगा CH, ध्यान से समझिएगा। तो बचा क्या मेरे पास, R1 C, ऊपर मेरे पास क्या है, यहां पर O, यहां पर क्या हो जाएगा, R2 हो गया, ठीक है। देखिए R1 ये मेरे पास हुआ, R2, इन दोनों के बीच में बना बॉन्ड, कार्बन पे प्लस है, यहां से क्या कर लिया, इसने H लिया, इसे लेकर के इसने क्या कर दिया, यहां पर ये हो गया CH, और साथ में कौन जुड़ा हुआ है यहां पर, एल्यूमिनियम। तो क्या जोड़ दोगे, AlOCH Me2 का होल ट्वाइस, ठीक। ये मेरे पास कौन सा स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप है, समझ में आ गया। दोबारा समझिएगा, पहले हमने ऑक्सीजन को ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, यहाँ देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे माइनस, एल्यूमिनियम पे प्लस, यहाँ माइनस और प्लस के बीच में क्या हो गया,
यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा, माइनस, यहां पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, और प्लस माइनस से क्या कर दोगे, जीरो। नहीं यार, जीरो नहीं करना, क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। प्लस माइनस से केमिस्ट्री में क्या बनता है, बॉन्ड बनाएंगे। और यहां से ये वाला जैसे कार्बन में प्लस आएगा तो ये एच माइनस के फॉर्म में किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कार्बन से अटैच हो गया। अब देखिए यहां पर माइनस था, यहां प्लस है, देखिएगा यहां माइनस, इस वाले कार्बन प्लस, ये प्लस माइनस से क्या हो रहा। एक और चीज देखिएगा, साथ में इसका बाई प्रोडक्ट बन रहा है C4Me और Me, ये इसका बाई प्रोडक्ट, मतलब मेन तो आपका ये वाला बना, दूसरा ये निकल गया। अब इस वाले स्टेप को हम दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप देखिएगा, सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होता है, फिर से देखो, R1 CH R2 O Al O CH Me2 का होल प्राइस, जैसे ये बना, ठीक, यही तो स्टेप था। अब मेरे पास सॉल्वेंट कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो जैसे हमने एल्कोहल लिया, यहां पर देखिए ध्यान से समझो, ये OH है, यहां पर हमने क्या ले लिया, CH CH3 CH3, ठीक, ये ले लिया। अब क्या हुआ, एल्यूमिनियम को मैं ऐसे करके ब्रेक किया, एल्यूमिनियम पे फिर से प्लस आएगा, यहां पर फिर से कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। जैसे ही यहां पर माइनस आएगा, ये यहां से क्या ले लेगा, एच। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया बताइए, ऑक्सीजन पे माइनस, और प्लस माइनस मिलकर के एल्यूमिनियम फिर से क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फिर से क्या हो जाएगी, फिर से एक बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे ही बॉन्डिंग होगी तो इसका जो प्रोडक्ट होगा हम नीचे लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो ये बनेगा मेरे पास R1 CH, और ये जो ओ है, ये ओ, इसका एच इसने लिया ओ दे, तो ये हो गया OH, और ये मेरे पास कौन सा है, R2 प्लस, ठीक। अब अच्छा देखिएगा, मेरे पास फिर से क्या बच रहा है, OCH ME और ME, देखो OCH ME ME OCH ME, मतलब टू टाइम्स है, तो इससे क्या लिखा हुआ, ME2, तो इसका मतलब फिर से क्या हो गया, कैटालिस फिर से अलग हो गया, AlOCH ME2 का क्या बन जाएगा, थ्राइन। इस तरह से ये क्या हो गया, मेरविन पांडर वल्ली रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये एक सिलेक्टिव रिडक्शन है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा, एक दो बार आप पॉज करके दोबारा चेक कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।